ओम शांति। 2 जनवरी के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। प्रश्न: हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है? उत्तर: पहला, पढ़ाई पर। दूसरा, दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते, किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथ भूतनाथिनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। आज का गीत है ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते हैं, वहां शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उनका विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए, ये कहां होता नहीं है। अब बाप समझाते हैं कि ये सब गीत हैं भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है, ज्ञान अलग चीज है जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई से पूछा जाएगा, ये गलीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है? हर चीज का ज्ञान होता है। वह है ही जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं, हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक है। उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी है, सालीग्राम मिसल। उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है। हर वस्तु का आकार जरूर होता है। उन सब में छोटे में छोटा आकार है आत्मा का। उनको कुदरती कहेंगे। आत्मा बहुत छोटी है, जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे सब साक्षात्कार करते हो। जो पास्ट हो गए हैं, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में तो ये पास्ट हो गया है, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है। है बहुत सूक्ष्म, इससे समझ सकते हैं। सिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत हैं। कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, कोई क्या कहते। अभी तुम बच्चों ने जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता, घड़ी घड़ी बुद्धि में भी बिठाना होता है। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमपिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नजर इस शरीर पर चली जाती है। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। सर्व का सदगति दाता तो वह शिव बाबा है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं, उनसे अवगुण निकलते नहीं हैं। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान भी
भारतवासियों ने फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें, अपने में दैवी गुण धारण करें। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, ये हैं नई बातें। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं ये दुनिया में किसको पता नहीं है। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर हैं, परंतु वह हैं कुक वंशावली। वे कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है। तुमको अब वर्षा मिल रहा है ना। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर, वे होते हैं द्वापर कलयुग में। यह संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। भल हद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे, क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं, परंतु वह है जिस्म की बात। यह बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे, यह किसको समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता। बाकी और सबका शरीर है, सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है। शरीर का नाम पड़ता है, परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, वह कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सदैव निराकार परम आत्मा ही हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी यह शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है, गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है। तुम्हारे भी नाम बदले थे, परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे। कितने भागंती हो गए जो उस समय थे, उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते। किस पर भी विश्वास नहीं है। माया बहुतों को हरा देती है तो भागंती हो जाते हैं, इसलिए बाबा किसका भी नाम नहीं रखते हैं। किसका रखें किसका ना रखें वह भी ठीक नहीं। कहते तो सब हैं बाबा हम आपके हो चुके, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही हैं। बहुत हैं जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते हैं। बाबा के पास मिलने आते हैं परंतु वारिस नहीं हैं। विजय माला में नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस हैं, परंतु बाबा समझते हैं ये वारिस है नहीं। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े, यह राज समझाना भी मुश्किल है। बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनाए। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे न सके। माला कितनी थोड़ों की बनती है, यह भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं तुम वारिस बनने के हकदार हो व नहीं, यह बाबा भी बता सकते हैं। ये कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने में भी बहुत अक्ल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वह मालिकपना कैसे लिया ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुमको ये बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, न कि चंद्रवंशी राम सीता। राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है, लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। शिव बाबा की कृष्ण की भी निंदा है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतना ऊंच ते ऊंच बनाता हूँ, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे। भल कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु ना जानने कारण निंदा कर दी है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं,
वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वे सतो प्रधान हैं, यह उन्हों की युवा अवस्था है, तो उनको सतो कहते हैं। वह छोटे हैं इसलिए सतो प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है, जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहाँ बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। ये पांच भूत वहाँ होते ही नहीं, विकारों का जैसे कि पता ही नहीं है। इस समय है ही रात, काम की चेष्टा भी रात को ही होती है। देवताएं हैं दिन में तो काम की चेष्टा होती नहीं, विकार कोई होते नहीं। अभी रात में सब विकारी हैं। तुम जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे, पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। यह रावण के विकारी गुण हैं। ये है विशियस वर्ल्ड। वाइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात ही नहीं होती, उनको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य। अभी है आसुरी राज्य, ये कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ढेर बच्चे हैं, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि ये सब बीके किसके बच्चे हैं। सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। ये खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो, जिससे विकर्म विनाश होंगे, और कोई को भी याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा है मामेकम याद करो। कृष्ण तो कह ना सके, वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझें तब निराकार बाप को याद करें। मैं आत्मा हूँ पहले ये पक्का निश्चय करना पड़े। मेरा बाप परमात्मा है, वे कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। मैं सबको सुख देने वाला हूँ, मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर वर्षा लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेले भी बनेंगे सौतेले भी बनेंगे। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली हैं, जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है, सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस जानी है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। तुम यह ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है, वह भी ड्रामा में नूंद है, फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिला है, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते, तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं। सत्युग में किसका चित्र आदि नहीं रहता, तुम्हारे चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं है, सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता ही हैं। पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है। तुम बच्चों को ये ज्ञान सिमरन कर अतिंद्रिय सुख में रहना है। बहुत पॉइंट्स हैं, परंतु बाबा समझते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, तो यह याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह है ऊंच ते ऊंच। हमको अब वापस घर जाना है। कितनी सहज बातें हैं, सारा मदार है याद पर। हमको देवता बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। पांच विकार हैं भूत, काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत भी होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते हैं, कोई में कम। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है ये पांच बड़े भूत हैं। नंबर 1 है काम का भूत, 2 है क्रोध का भूत। कोई रफ टफ बोलता है तो बाप कहते हैं ये क्रोधी है, ये भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध 1-2 को दुख देता है, मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा,
जिसको मोह है उनको ही दुख होगा, इसलिए बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है, कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए, कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध का भूत है। वह जैसे भूतनाथ भूतनाथिनी बन जाते हैं, ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। भूत नाथिनी अक्षर बड़ा छीछी है, भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। बाप आकर आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने। बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा ने समझाया है क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो, अपने को बचाने की युक्ति चाहिए, हमारे भी क्रोध ना आ जाए, नहीं तो 100 गुना पाप पड़ जाएगा। कितनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते हैं, बच्चे भी समझते हैं। बाबा हूबहू कल्प पहले मुआफिक समझाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरों पर भी रहम करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते हैं तो वह ऊंच चढ़ जाते हैं, खुद रह जाते हैं, खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरे को समझाते हैं वह जीत पहन लेते हैं, ऐसे भी वंडर होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान का सिमरन कर अतिंद्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ टफ बातचीत नहीं करनी है, कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। दूसरी पॉइंट, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है, अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। वरदान, एकरस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भाव। स्पष्टीकरण, आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है, जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो, क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित के बजाय प्रसन्न चित बन जाएंगे। प्रसन्न चित अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। स्लोगन, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। ओम शांति। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क, चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे। कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो तो स्मृति बहुत सहज रहेगी। स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते बुद्धि का प्रोग्राम भी सेट कर लो तो समय की बचत हो जाएगी। ओम शांति।